बाबा से क्या शिकायत करके मुख्यमंत्री अपने बने हैं? ये तो बाबा को एक तरह से समझिए कैद करके रखे हैं। मैं बता रहा हूं कि यहाँ अभी हम लोग देखे ना बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री, उसका बेटा, इसके बाद रामविलास पासवान का बेटा, वो भी विधायक, वो भी मंत्री, फिर ऐसे ही बहुत लोग हैं, लेकिन किसी ने अपने पिता को कैद करके नहीं रखा। बहुत गंभीर और बड़ा गंभीर मामला है, बहुत गंभीर और बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप की बात नहीं है, हम तो कहते कि भाई उसको कम से कम घूरने दीजिए चारों तरफ झारखंड में, जहां जहां वो जाते थे घुमाइए उसको, ताकि वो उसके दिमाग में ये आए, उसको दिमाग में ये पैदा हो जाए पहले पुराना जगह यही हमारा था, हम यहाँ आते थे, हर जगह उसको घुराइए ना, लेकिन घुराते भी नहीं, इसीलिए इस बात को मैं बोल रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये मुख्यमंत्री एक तरह से लोगों को लॉलीपॉप दे करके छलना चाहते हैं, और इसलिए बार बार इस बात को मैं बोलता हूँ कि अभी भी समय है, समय रहते पी पैसा एक्ट को लागू करें और यहाँ के लोगों का जो उम्मीद थी जहाँ का जल जंगल जमीन ये बच सके। तो वैसे ही यहाँ पर स्थानीय नीति भी नहीं बना पाया, नियोजन नीति भी नहीं बन पाया, तो एक तरह से ये सरकार बिल्कुल फेल है, और समय रहते सचेत हो जाए, और नहीं तो 2024 में बहुत ही महंगा पड़ेगा। पहले से मैं बोलते आया हूँ, क्योंकि सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये सरकार यहाँ का जो भी कर रहा है धरातल पर नहीं उतर रहा है, दोष दे रहा है बीजेपी क्यों? अगर आप उसमें त्रुटिपूर्ण नहीं रहता तो बीजेपी कैसे रोकता? ये तो मामीन राज्यपाल यहाँ से लूट गया ना, तो बीजेपी को दोष दे रहा है क्योंकि वो विपक्ष में है, लेकिन आप अपना खामियों को आप नहीं देख रहे कि कहाँ खामियां हैं, फिर आपको उसको सुधार करके करना चाहिए था ना। तो 32 का खतियान वो भी नहीं हो सका, न नियोजन नीति बन सका, और न यहाँ स्थानीय नीति बन सका, और न यहाँ पैसा एक्ट बचा, और न यहाँ CIT एक्ट बचा, और न SPT एक्ट बचा।